नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। आज के विशेष प्रसारण में प्रस्तुत है वागड़ का एक ऐसा रिसोर्ट जहां पर आप अपने परिवार के साथ गर्मी के समय में और पिकनिक शादी पार्टी में आनंद ले सकते हैं। विशेष स्विमिंग पूल और कैफे के साथ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन की हुई चिल्ड्रन एरिया सहित फकरी रिसोर्ट पैराडाइज ऑफ वागड़ प्रतापपुर जिला बांसवाड़ा में स्थित है। इस रिसोर्ट की कुछ खास विशेषताएं भी हैं जो आप सभी को पसंद आएगी। इस रिसोर्ट में शराब सेवन करना सख्त वर्जित है, अतः इस रिसोर्ट में परिवार सहित भ्रमण करने वालों के लिए बहुत ही बड़ी सुरक्षित जगह है। साथ ही बहुत कम बजट में मेहसाणा और उदयपुर वाटर पार्क जैसी सुविधाएं इस रिसोर्ट में उपलब्ध हैं। शादी पार्टी, पिकनिक और कॉन्फ्रेंस के लिए यह बहुत ही बड़ा आधुनिक हॉल भी उपलब्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह रिसोर्ट बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बांसवाड़ा रोड पर स्थित है। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज आपको लिए चलते हैं वागड़ के एक ऐसे रिसोर्ट में जहां पर आपको एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिलेगी। समर वैकेशन में वागड़ क्षेत्र के लोग यहां से मेहसाणा और ऐसी ऐसी जगह पर एंजॉय करने के लिए जाते हैं जहां पर उनको काफ़ी खर्च भी बैठता है और काफ़ी समय भी लगता है। और इस कोरोना काल में लोगों को यहाँ से दूसरे स्टेट में जाना और आना बहुत ही रिस्की और भारी काम है, तो उसी को लेकर हम आज आपको यहाँ पर एक प्रसिद्ध वागड़ का बहुत ही फेमस रिसोर्ट है जिसका नाम है फकरी रिसोर्ट, जो प्रतापपुर में स्थित है। बांसवाड़ा से आप डूंगरपुर रोड पर जाएंगे, इधर से बांसवाड़ा का रोड है और आप देख रहे हैं इधर से डूंगरपुर का रोड है। इस रोड पर यहाँ पर बीच में प्रतापपुर से मात्र 2 किलोमीटर पर यहाँ पर ये रिसोर्ट स्थित है, फकरी रिसोर्ट, जहाँ पर हम आपको पूरा रिसोर्ट शो राउंड कराएंगे। आइए हम करते हैं एक मुलाकात, यहाँ के जो मालिक हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं इन्होंने दे रखी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम इस रिसोर्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी सुविधाएं बहुत ही अच्छा वेल सेटल है। इस तरफ इन्होंने कैफ़े बना रखा है, काफ़ी बढ़िया कैफ़े नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर इनके मालिक भी खड़े हुए हैं, उनसे एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? हकीमुद्दीन सर मेरा नाम है। सर, इस रिसोर्ट के मालिक आप ही हैं? हाँ सर, मालिक हम हैं, पापा है, पार्टनर से हमारे और एक पार्टनर और भी है जी, जी। अहमद भाई, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो रिसोर्ट है प्रतापपुर में, कौन सी जगह बोलते हैं इसको? सर ये नवा गांव के बिल्कुल नज़दीक है और बांसवाड़ा प्रतापपुर रोड पे है। प्रतापपुर से यूँ कह सकते हैं कि 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूरी पे है सर। यहाँ पर आप इस रिसोर्ट में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटी, किस तरह की आप आपके कस्टमर को उपलब्ध करवाते हैं? सर इधर स्विमिंग पूल है सबसे पहले तो जी। फिर अभी हमने कैफ़े भी खोला हुआ है जिसमें सभी सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि पहले और स्विमिंग पूल के वजह से लोगों को मतलब इसकी ज़रूरत थी। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए भी हम इसको रेंट पे देते हैं। पार्टी है, किसी कंपनी का कोई पार्टी है तो इसके लिए हॉल भी हमारे पास उपलब्ध है और वो भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि फुल एसी इसको बनाएंगे। और जिसको भी मतलब कंपनी वगैरह के जो मीटिंग्स होते हैं वगैरह जो होते हैं उसी तरह सभी के लिए मतलब हर किसी के लिए उपलब्ध है ये। तो सर सबसे पहले हम आपसे यहाँ पर जानना चाहते हैं कि आपका ये जो रिसोर्ट है इसमें सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, उसे आप दिखाएं। सेक्शन हमारा सर स्विमिंग पूल है जो इस एरिया में 25 किलोमीटर में कोई भी नहीं है। अगर इधर के कोई बच्चों को अगर कोई इंजॉयमेंट करना है तो या तो वो मेहसाणा पार्क जाएगा या फिर वो उदयपुर के लिए जाएगा और वो भी उसको बहुत खर्चा होगा। ये बहुत ही कम खर्चे में मात्र 150 रुपये में हम उसको 2 घंटे के लिए इंजॉयमेंट करने देंगे, उसमें DJ भी इसको फ्री करने देंगे और आसपास के जैसा कि आप देख रहे हैं मात्र 150 रुपये में आप बता रहे हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल और वो भी 2 घंटे के लिए और उसमें भी डीजे उपलब्ध है, फ्री है उसको उपलब्ध रहेगा जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत ही बड़ी सुविधा इन्होंने दी है यहाँ पर बच्चों के लिए जो यहाँ से वागड़ क्षेत्र में दूसरे राज्यों में मेहसाणा और ऐसी जगह पर जाते थे, नजदीक उदयपुर भी कह सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए कम से कम अगर वो उसको एक्सपेंड करेगा तो कम से कम उसको 1000 रुपया या 1500 रुपया लग जाएगा उसको ऐसा इंजॉयमेंट करने के लिए। तो ये आसपास के अपने गाँवों में बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। तो आइए चलते हम थोड़ा सा उसका देख लेते हैं। ये हमारा पूरा कैफ़े का एरिया है, इसको हमने स्पेशल बनाया बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे वो इस लाइक का माहौल इसको मतलब बहुत पसंद आता है तो उसी तरह का कुछ हमने इसको देने की कोशिश की है हमने। तो गर्मी के मतलब सुबह का जब टाइम हो तो वो इधर बैठ के इधर इंजॉय कर सकते हैं और शाम के टाइम पर इसको ये गार्डन को इसको यूज़ कर सकते हैं। वो काफ़ी खूबसूरत बना रखा है, जैसा कि एक बार कैमरामैन से आग्रह करूँगा दिखाया कि बच्चों के लिए काफ़ी खूबसूरत जगह बना रखी है।
और इधर जैसा कि आप देख रहे हैं गार्डन बना रखा है इन्होंने, गार्डन भी काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। उधर बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए भी उन्होंने बना रखा है, वहाँ पर भी हम चलते हैं। सर जैसा कि वहाँ पर हम देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं बच्चों के सर लिए। सर अभी हमने सबसे दो इक्विपमेंट रखे हैं सर, ये जो प्लेइंग है सर, अभी कभी भी प्रतापपुर में सर ये किसी को भी कहो तो पे करके इसको करना पड़ता है, मतलब क्योंकि मेले में ही लगते हैं जी। तो इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेइंग जो है अभी तो दो है, अभी दो और मैं लाऊंगा इसको, जो इस बच्चे को जिससे आनंद होगा, मतलब बच्चे इसको इंजॉय कर सकेंगे, मतलब छोटे बच्चे जो स्विमिंग पूल में इंजॉय नहीं कर सके वो इधर इंजॉय कर सके। मतलब कि बच्चों के लिए अभी और भी यहाँ पर आप व्यवस्था करने जा रहे हैं। जो फैमिली इधर आएगी मतलब कैफे का आनंद लेने के लिए, तो बच्चों को उसको खिला सकती है सर। तो जैसा कि सर हम यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी बड़ा आपने स्टेज बना रखा है, ये शादी के लिए बना सर? ये हमने बनाया शादी के लिए, रेंट पे देने के लिए बनाया, और ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि एक ही मंच के नीचे सभी आइटम आ जाए। यानी किसी कोई किसी की शादी हो तो अपन प्राय देखते हैं कि वो लोग डेकोर वाले के लिए अलग घूमते हैं, पकाने वाले के लिए अलग जाते हैं, उनमें उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, समन्वय नहीं होता है। तो सर मैंने आप देख रहे हो इधर सभी मैंने लाइट्स वगैरह भी लगा रखी है, यानी उसको कुछ ही डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। वो सभी जनरेटर भी मेरा बाहर लगा हुआ बड़ा, तो लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेकोरेशन लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी इसको ज़्यादा डेकोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी चीज़ इसको एक ही जगह एक ही छत के नीचे उसको उपलब्ध हो जाएगी। मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सारी डेकोरेशन की लाइटें वगैरह सारी आपने इस रिसोर्ट में उपलब्ध करवा रखी है? पहले से यहाँ पर इसको और ज्यादा डेकोरेशन, ये रात को आप देखेंगे इतना खूबसूरत नजारा है इसका, डेकोरेशन का एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर नहीं होगा। लाइट्स भी इसको पूरी फैसिलिटी मिलेगी, जनरेटर की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, फकत थोड़ा बहुत कोई चेंजिंग हो किसी को ज़्यादा कम करना है वो अलग बात है, लेकिन 90% तो मैं एक ही छत के नीचे उसको सभी उपलब्ध करा दूंगा। आइए हम चलते हैं स्विमिंग पूल का एरिया जो है यहाँ पर किस तरह की उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है। स्विमिंग पूल का एरिया जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बच्चे आनंद ले रहे हैं। सर इस स्विमिंग पूल के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत बताएं। यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है अभी यहाँ पे बहुत कुछ काम बाकी है, हम डे बाय डे उसको इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे घास लगाई है, यहाँ पे अभी ये अम्ब्रेला लगेगी और पूरा शेड लगेगा, और यहाँ पे भी पार्टी के लिए हमने रख रहे जो लेडीज़ का भी सेपरेट, अगर किसी को लेडीज़ आना हो अभी भी आते हैं तो उसको यहाँ पूरा पैक हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ खुला है यहाँ रसिया की अभी जैसे पैक, वैसे पूरा पैक हो जाएगा और ये सेपरेट रहेगा, और लेडीज़ वगैरह इंजॉयमेंट कर सकती है, और अपने फैमिली के साथ आना तो फैमिली भी कर सकती है, और बच्चे जैसे आपने पहले बताया कि उसका बहुत कम चार्ज में बहुत बच्चे इंजॉयमेंट करते हैं, और यहाँ से बच्चे का निकलने का नाम ही नहीं है। और यहाँ पे हमने ये एक हट बनाया, कपल भी बैठ सकते हैं आराम से थक गए, और खाना पीना भी हमने यहाँ किया है। इधर भी एक इक्विपमेंट लगेगा जो अपने जैसे आता है ना वाटर पार्क में जो फिसल पट्टी वगैरह जी 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 बिल्कुल, फिसल पट्टी भी आप यहाँ पर लगाएंगे। इधर पूरा छत बनेगी, पूरा शेड बनेगा, पूरा हॉल इधर रेडी हो जाएगा, नहीं पूरा फैमिली पार्टी इधर कर सकेंगे वो। उनको मतलब ये पूरा एरिया उनको हम 3 घंटे के लिए उनको दे देंगे, 3 घंटे 4 घंटे जैसे भी वो लोग चाहते हैं उसको ये पूरा एंजॉय कर सकते हैं। यानी तो जैसा कि आप देख रहे हैं आप बता रहे हैं कि यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आनी बाकी हैं, और भी डेवलपमेंट करने वाले हैं यहाँ पर फिसल पट्टी। मतलब कि आप देखेंगे कि जिस तरह से मेहसाणा वाटर पार्क में आपको जो जो सुविधा मिलती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम मेरा शुभ नाम बुरहानुद्दीन मुर्तजा भट्टी। कहाँ से हैं आप? हम ये प्रतापपुर के निवासी। आप कितना आनंद ले रहे हैं यहाँ पर? हम ये फकरी रिसोर्ट बहुत खूबसूरत रिसोर्ट बनाया गया है, हम इसमें बहुत आनंद करते हैं, सब इधर पार्टी कर सकते हैं, कैफे बना हुआ है, हम इसमें कैफे में नाश्ता कर सकते हैं, शेक मिलता है, स्विमिंग पूल बहुत ही खूबसूरत और वेल प्लान से बनाया गया है। आप ये आपके दोस्तों के साथ में आए हुए हैं? हम ये हमारी पार्टी की है, हमारे दोस्तों के साथ आए हुए हैं, बहुत दोस्तों हम आनंद बना रहे थे, अच्छी तरह से ये वेल प्लान बना गया है, इसमें स्वच्छ रखते हैं इनको। इससे पहले आप आए थे यहाँ? हम इस पर पहले 2 बार आ चुके हैं, ये 3री बार हम आए हैं। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ हम पढ़ाई क्लास करते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं। 10th क्लास में क्या कहना चाहेंगे इस रिसोर्ट के बारे में आप? ये रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, लगभग कम से कम 20 से अधिक ये स्विमिंग पूल में आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और ये बच्चों के लिए भी बनाया गया है जिसमें है ना कम लेवल का पानी है उसमें बच्चे भी आ सकते हैं, और ये बड़े एडल्ट्स के लिए बनाया गया है, इसमें लगभग इतना पानी है। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम है आपका? क्या आपका क्या नाम है? इदरीस। कहाँ के आप?
प्रतापपुर। कितना आनंद ले रहे हैं इसमें? रिसोर्ट पर कितना आनंद ले रहे हैं आप? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आप रिसोर्ट में बहुत ही आनंद ले रहे हैं बच्चे, काफी आनंद ले रहे हैं। और स्विमिंग पूल में यहाँ पर जैसा कि वागड़ क्षेत्र में आपने सुन रखा होगा, यहाँ से लोग मेहसाणा वाटर पार्क और यहाँ तक कि और जगह पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत ये वाटर पार्क सही बना हुआ है। और आप देख सकते हैं काफ़ी आनंद ले रहे हैं बच्चे, यहाँ पर काफ़ी आनंद ले रहे हैं। और इस समर वेकेशन में, इस गर्मी के समय में यहाँ पर इतनी बड़ी सुविधा वागड़ क्षेत्र में दी गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे काफ़ी आनंद लेते हुए उत्साह के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शराब पीना मना है लिखा हुआ है। सर यहाँ पर आपने लिखा है कि शराब पीना मना है, तो यहाँ पर बिल्कुल मना है सर। किसी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर कोई ये नियत से आए कि इधर इंजॉयमेंट करेंगे और शराब पियेंगे तो उसका कोई अलाउ नहीं है सर। शराब बिल्कुल ही ममनू है सर, बिल्कुल नहीं। हम अपने हिंदी में कह सकते हैं कि अलाउ बिल्कुल नहीं, मतलब कि एक बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर कि शराब पीना मना है। बिल्कुल शराब यहाँ पर अलाउ नहीं है। जो लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट करने के लिए आते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि यहाँ पर शराबी लोग यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, बिल्कुल फैमिली एंजॉयमेंट करे, आए मस्ती करे, जो भी आपको सुविधा चाहिए मैं इसको उपलब्ध कराऊंगा, डीजे चाहिए कराऊंगा, लेकिन शराब सर इसको शराब आप उपलब्ध नहीं करवाएंगे, ना यहाँ पर उनको पीने देंगे, ना बाहर से लाना है इसको अलाउ करेंगे। बाकी उसके अलावा कुछ भी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हॉल हमने सेमिनार और पार्टीज़ के लिए रखा है, जिसकी बर्थडे पार्टी हो तो अपने हिसाब से डेकोर करके, यहाँ बर्थडे पार्टी और छोटा बच्चों का खाना वगैरह यहाँ हो सकता है। और अभी बैंक का जो कोई पार्टी थी बैंक वालों की, स्टेट बैंक वालों ने, तो वो पार्टी भी यहाँ रखी थी। अभी सेमिनार कोई कंपनी ने रखा था, तो जैसे 150-200 लोग आराम से कुर्सी पर बैठ सकते हैं और स्क्रीन लगा के उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने बनाया हर समाज के लिए, हमने कोई एक समाज के लिए नहीं, हमारा सबसे पहला हमने उसका नाम फखरी रिसोर्ट, जो हमारा सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका ने हमारा ये नाम दिया, और उस पर हमने नीचे लिखा है पैराडाइज ऑफ वागड़। जैसा नाम है वैसा ही हम उसको काम कर रहे हैं, और हम हर समाज के लिए, क्योंकि हमारे सैयदना साहब ने भी बोला कि हर समाज के लिए आए, और उसको जैसे व्यवस्थित हम जिसको जैसा चाहिए वैसा ही हम देते हैं, और साफ़ सुथरा और हर तरह के हम फैसिलिटीज़ देते हैं उसमें। मतलब कि यहाँ पर 150 से 200 लोगों की एक सेमिनार हो तो आराम से हो सकती है, और 300 लोगों की बैठक मीटिंग भी यहाँ पर हो सकती है। साथ ही यहाँ पर आप इस सेमिनार में शादी पार्टी इस तरह से जो भी आयोजन है, हमारी कोशिश है कि हर सीज़न में, जैसे अभी प्राय सर गर्मी है तो हम कोशिश करेंगे सर इसको कूलिंग करने के लिए, और बारिश में सर बाहर नहीं कर सकते कुछ भी, तो बारिश में मौसम में ये शादी भी हो तो इधर हॉल में हो सकती है। हाँ शादी भी हो सकती है, मतलब काफ़ी बड़ा हॉल है तो यहाँ पर बारिश के समय शादी हो तो यहाँ पर आराम से शादी भी हो सकती है। काफ़ी बढ़िया हॉल है सर ये, और काफ़ी अच्छा बना रखा है आपने। अभी भी उसमें कुछ काम बाकी है जो धीरे धीरे हम करेंगे, जैसे जैसे हमको आइडियाज़ मिल रही है और पब्लिक का ओपिनियन, हम उनको पब्लिक से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा, जो कमियां हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो ये अभी पार्टनर है जो ये दिन रात यहीं पे रहते हैं, और उनका सपना ही है कि हम उसको अच्छी तरह से लोगों को व्यवस्थित और लोगों खुश होकर जाए, हमारा सबसे पहला काम ही है कि लोगों खुश होकर जाए। और ये बहुत बड़ा 40x70 का हॉल है, फैमिलीज पार्टीज़ के लिए रात को आते हैं कपल्स वगैरह, तो वो यहाँ पे रुकते हैं, सोने के लिए भी हम उनको व्यवस्था करते हैं, सोते और यहाँ डिनर वगैरह सब वो यहीं पे करते हैं और इन्जॉयमेंट करते हैं। हाँ सर आपका किचन जो है रसोई जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, थोड़ा उससे भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा किचन नज़र आ रहा है, और कुक भी यहाँ पर बिल्कुल ड्रेस में नज़र आ रहे हैं। तो सर जैसा कि यहाँ पर ये किचन है, और आपने बताया कि यहाँ पर आप जो आपके यहाँ पर गेस्ट वगैरह आते हैं, जो लोग आते हैं कस्टमर आते हैं, उनको खाना परोसते हैं, तो यहाँ पर किस तरह का, जैसा कि मैं देख रहा हूँ वहाँ पर लिखा हुआ शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों तरह का है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएँ आप। सर मैंने कोशिश की है कि इसको अच्छा 5-स्टार लेवल का किचन बनाऊँ मैं, इसको इतना बहुत बड़ा आप देख रहे किचन है। अभी तो मैंने सर फास्ट फूड इसको स्टार्ट किया है कि फास्ट फूड इसको परोसता हूँ, लेकिन सर प्रतापपुर का जो एरिया है सर वो दो प्रकार के हैं, इधर नॉन वेज वाले भी हैं और वेज वाले भी हैं, तो मैंने दोनों को ध्यान में रख के लिए 2 फ्राइज मंगाए हैं। और मेरे स्टाफ को मैंने बोला स्पेशल कि जो लोग जैन धर्म के हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए प्योर जो वेज का जो है उसका बिल्कुल, इसका ऑयल बिल्कुल अलग रखे, यानी उनके लिए जो तलन वगैरह करनी है उनका पूरा उसका वो अलग रखे वो,
यानी पूरा 100% विश्वास के साथ अपने अपने को ईमानदारी से काम करना। किस तरह से मैनेज किया जाता है थोड़ा सा आप बताएं सर, ये जैसा कि आपने यहाँ पर दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ है। जैसे आपको जानते हैं कि सर जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो नॉन नहीं चाहते कि जो नॉन वेज जो तोल जिसमें यूज़ किया है वो उसी में वेज को मतलब वो तलन नहीं चाहते, उसके लिए मैंने दो उसको फायर्स रखे हैं। जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उसके लिए फायर्स बिल्कुल अलग रखा है, वो अलग ही रखा है, है। नॉन वेज वालों के लिए अलग रखा है बिल्कुल। तो यानी जो जो वेजिटेरियन है वो पूरा हम पे विश्वास कर सकते हैं, और फास्ट फूड में इधर कोई भी चीज़ वो प्लेट यूज़ नहीं करते, सभी चीज़ डिस्पोजेबल रखी हुई है। डिस्पोजल रखी हुई है मतलब कि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी और मांसाहारी दोनों चीज़ें अलग हैं, और जैसा कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, जो मांसाहारी हैं उनके लिए मांसाहारी और शाकाहारी हैं उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन की यहाँ पर आपने व्यवस्था। इसके अलावा सर मैं शुद्ध शाकाहारी चाइनीज़ आइटम के लिए सर एक बाहर स्टोर लगाऊंगा जहाँ खाली ओनली वेजिटेरियन आइटम ही उसमें बनेगी, यानी उनको 100% विश्वास होगा उनके आँखों के सामने वो बनेगा जी। तो वो भी बहुत ही जल्दी मैं स्टार्ट करूँगा चाइनीज़ वेजिटेरियन जी, जी। तो वो उसका किचन बिल्कुल बाहर ही रखूँगा मैं, उसको बिल्कुल ओपन रखूँगा मैं उसको जी। सर काफ़ी सुंदर रिसोर्ट है आपका और काफ़ी खूबसूरत जगह है, हमने आज यहाँ पर इसका पूरा निरीक्षण किया, काफ़ी अच्छी लगी। इस अवसर पर आप बागड़ की जनता को आपके इस रिसोर्ट के बारे में और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो सर यही देना चाहता हूँ कि सर एक बार इधर आए, हमें सेवा का मौका दे, इधर इंजॉय करे। कोई भी जरूर नहीं है कि आपकी कोई बुकिंग हो या आप इधर किसी को कोई ज़रूरी कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं, आप आए एक बार बैठे इसका आनंद ले। और ख़ास करके सर हमारे जो बोरी भाई जो जायरीन है, इंदौर है, रतलाम है, बांसवाड़ा है, जो एमपी से जो लोग आते हैं गलियाकोट के लिए, ये उनको इसी रास्ते पे ये पड़ता है। तो सर जब वो वापस ज्यारत करके इस तरह से रिटर्न निकले तो एक बार इधर आए, स्विमिंग पूल का आनंद ले, बच्चों को इसमें इंजॉयमेंट कराए और इधर से एक बार होकर गुजरे, यही सर संदेश है। आसपास के जितने भी सर कॉलेज स्कूल के जो बच्चे हैं उनके सर उनको मद्देनज़र उनको ध्यान में रखकर सर ही हमने ये चीज़ बनाई है कि वो लोग को कोई दूसरी जगह पर दूर जाना नहीं पड़े, और जो मैं सुविधा दे सकता हूँ मैं दूंगा और वो इधर आके एंजॉयमेंट करें बहुत ही कम लागत में, ऐसा बोल सकते हैं सर आप उसको। ऐसा कोई पैकेज आप बनाते हैं सर? हाँ सर बनाते हैं ना सर, जैसे अभी जनरल पूल का सर मैंने आपको 150 बोला, लेकिन अगर आपको यूँ लगता है कि नहीं हमको हमारी फैमिली है और सिर्फ हम 5 लोग ही है, इसमें कोई भी दूसरा एंटर नहीं हो, तो प्राइवेट पूल भी सर उसको हम उपलब्ध कराएंगे, यानी उसको 3 घंटे के लिए वो जगह उसको बुक कर देंगे, तो उसकी जगह पर वो उसके अलावा और कोई भी नहीं आएगा, वो ही सिर्फ इंजॉयमेंट करेंगे, यानी उनका बिल्कुल सेपरेट ही रहेगा वो, उसको उधर मतलब बैठने की व्यवस्था कुर्सी टेबल सभी उसको रहेगा उधर सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर? सर बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बार इधर आए, इधर बैठे और इधर का रात का जो माहौल है इसका, और आप आराम से इसको रिलैक्स से बैठे और इसका आनंद ले सर। हाँ जी, उनका पेमेंट आप किस तरह से करते हैं? हमारे पास गूगल पे ये सुविधा भी है, यहाँ पे स्कैन करके डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपन, और अपने यहाँ पे होम डिलीवरी भी अभी चालू कर दी है, प्रतापपुर के एरिए के अंदर हम होम डिलीवरी करते हैं, और मिनिमम चार्जेस ही रखा है उसके लिए भी अपन, और उसमें भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपन, और इसमें अपन ने सॉफ्टवेयर अभी अपलोड हो रहा है, उसमें जैसे मैकडोनल्ड उसमें जैसे अपन सिलेक्ट करके जैसे करते हैं वैसे ही अपन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे, मतलब कि ऑनलाइन ऑर्डर भी आप यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं? हाँ जी, ये बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, प्रतापपुर के अंदर, प्रतापपुर के एरिया के अंदर यहीं पे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑनलाइन डिलीवरी भी आप यहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, और उनका पेमेंट ऑनलाइन भी एक्सेप्ट कर लें? हाँ कर लें, हाँ जी। और इसके बारे में कुछ बताएंगे जैसे के बारे में आपके यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट क्या क्या? यहाँ पे हमने ये कार्ड सिस्टम भी कर रखा है, जैसे यहाँ पे आएंगे ऑर्डर करना है यहीं पे ऑर्डर करना है, और एट ए टाइम पेमेंट सिस्टम रखा है, और सेल्फ सर्विस सिस्टम रखा अपन ने, थोड़ा अपडेट किया है यहाँ के वातावरण के हिसाब से। तो डायरेक्ट हमने QR कोड डाल रखा है जिसको आप स्कैन करोगे तो मेन्यू आपका सामने आ जाएगा डायरेक्ट, ये QR कोड स्कैन करते ही मेन्यू आ जाएगा। मतलब कि आप ये बता रहे हैं कि ये जो QR कोड लगा रखा है, हाँ जी, आप पर स्कैन करते ही आपके सामने मेनू कोड आ जाएगा? हाँ जी, आपको मेनू बुक को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम जूजर है। मेरा नाम मोइज है। सर सागड़ा लाइव न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? हकीम पटेल। आप इस रिसोर्ट में कितने समय से आ रहे हैं सर? जब से ये बना है तब से ही आ रहे हैं, कि इन्होंने हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको कमी नहीं मिलेगी और हल्की नहीं मिलेगी,
इन्होंने हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट बनाई है, और यहाँ आने के बाद आपको यूँ लगेगा कि आप प्रतापपुर में नहीं कोई सिटी में आए हो। आज 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 आपका आना कैसे हुआ सर? आज हमारी फैक्ट्री की एनुअल पार्टी है। अच्छा, आज आपकी एनुअल पार्टी, फैक्ट्री की पार्टी है। तो हमारे वर्कर्स के साथ हम सब यहाँ पे है जी। सुबह से नाश्ता था, अभी खाना है जी। और वैसे भी स्विमिंग पूल रहता है तो ये लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं जी। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।